जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये इस वक्त अहमदपुर रोड भावलपुर के मनाजिर आप देख सकते हैं और हम जरकून रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने हैं। ये जी जरकून रेस्टोरेंट का फ्रंट फेस है और एक बड़ी मुनफरिद चीज़ जो इन्होंने की है, इसराइल का झंडा लगाकर उसके ऊपर मतलब पैरों का निशान भी है और उसके ऊपर हाथ का भी निशान है, जिसका मतलब आप सब लोग जानते ही हैं कि ये मतलब ह्यूमिलेटिंग सिंबल है। वो जनाब इन्होंने झंडे सारे पेंट कराए हुए हैं एंट्रेंस के ऊपर, लेकिन इसके अगेंस्ट जो अजीब चीज़ देखी वो ये है कि जब इनकी सर्विंग हुई रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक्स की, तो वो सारी इन्होंने इंपोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स जिनमें पेप्सी, कोक, फैंटा वगैरह उन्हीं कंपनियों की सर्व की हुई थी। तो इनसे हमने जिक्र भी किया कि जनाब ये तो आपके खुला तजाद है, आप इसको देखें और जो लोकल ड्रिंक्स हैं जो कि आजकल बहुत सी जगहों के ऊपर बड़ी फेमस हो रही हैं, उनको अपने फोकस में लाएं और उनको अपने रेस्टोरेंट में भेजें। ये जी आप इसकी सारी लोकेशन आप देख सकते हैं, PSO पंप के सामने की जगह बनती है और ये पार्किंग के साथ ही आ गई, ये झंडे लगे हुए हैं। ले जी अब हम हॉल में दाखिल हो गए हैं, ये इनका डेसर्ट सेक्शन है, बुफे इन्होंने जनाब ऑफ़र किया, 40+ डिशेज़ हैं और 1700 रुपीज़ इसकी पर हेड प्राइस बनती है। पेस्ट्रीज हैं, स्वीट्स हैं, ख़ास तौर पे इनका एक खजूर का हलवा था जी, वो बड़ा पसंद आया। ये दूसरी तरफ सैलड्स हैं और उसके साथ मुख्तलिफ तरह की चटनियाँ इन्होंने सर्विंग में रखी हुई हैं। ये सारा जनाब सैलड का और इन चीज़ों का सेक्शन है और उसके साथ ही स्वीट्स का सेक्शन है। ओवरऑल सफाई की सूरत हाल इनकी अच्छी लगी। ये सामने आप इनके बार के मनाजिर देख सकते हैं, स्वीट डिशेज हैं। लें जी ये अब बुफे की डिशेज स्टार्ट हो रही हैं जनाब, हॉट एंड सॉर सूप है जनाब सबसे पहला, आगे पीछे करके डिशेज लगी हुई हैं, कोशिश है मैं सब दिखा सकूं। ये जनाब इन्होंने मंचूरियन बनाया हुआ है, अभी बुफे स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए मुझे मौका मिल गया कि मैं इनकी सारी डिशेज़ के नेम आपको दिखा सकूँ। पिज़्ज़ा ऑफ द डे है जनाब, पिज़्ज़ा इनका अच्छा था, पसंद आया मुझे, अच्छी फ्रेश चीज़ की मदद से अच्छी पिज़्ज़ा इन्होंने बनाया हुआ था। रेशमी कबाब हैं जी, चीज़ें तकरीबन सारी ही अच्छी थीं, कुछ स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं थी और टेस्ट वाइज भी अच्छी थी। स्पेशल फिंगर फिश ये जी काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई थी, बहुत कम ऑयल के साथ और बड़ी ड्राई टाइप से थी। ये मटन कढ़ाई जनाब आपके सामने है और इसमें कुछ राइस भी पड़े हुए हैं, नमकीन बीफ भी इनके पास अवेलेबल था। स्पाइस उतराई का अच्छा मियार था। ये जी चिकन हांडी इन्होंने प्रेजेंट की हुई है आपके सामने, ये शाही दाल आप देख सकते हैं, ये खाली है शायद, इसमें रोटियां वगैरह इन्होंने गरम नान और रोटियां रखी हुई हैं, साथ ही प्लेटें हैं। ये जनाब चौधरी शफीक साहब आपके सामने हैं, टेबल के ऊपर मिनरल वाटर के साथ इन्होंने मैंगो जूस भी रखा हुआ है। ये हमाद शाह साहब आप देख सकते हैं, राणा नजीब साहब, जाम कासिम साहब, अली साहब और उनके साथ बाबर साहब, ये जी मुस्तफ़ा साहब भी बैक सीन में आपको नज़र आए हैं। ये हमारे सब कुलीग्स की पार्टी हो रही है, आप जिसे आपने सुना होगा बड़ा फेमस हुआ कि ये हैं जी हमारे फ्रेंड्स और ये हम फ्रेंड्स की पार्टी हो रही है। मुस्तफ़ा साहब बड़े फ्रेश लुक में जनाब बड़े डिसेंट और गॉर्जियस नज़र आ रहे हैं। ये अब दूसरा सेक्शन है जो ऑलमोस्ट खाली था, इसमें कुछ मिरर्स की डेकोरेशन की हुई है। प्राइस के लिहाज से जिसे हम प्राइस वैल्यू कहते हैं, टेस्ट ठीक था, डिशेस की तादाद भी ठीक थी। स्वीट्स में इनका जो खजूर वाला हलवा था वो बहुत पसंद आया तमाम दोस्तों को। ये बार सेक्शन है, इसमें कॉफ़ी भी दस्तियाब है और आखिर में कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्विंग की इन्होंने, वो कोल्ड ड्रिंक्स के में भी चार्जेस शायद अलग हो सकते हैं। ये एक और एंगल से सारी डिशें मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इख्तिताम पे, तो ज़रूर विज़िट करें जनाब इनको और आप भी इनसे ये बात तकाजा ज़रूर करें कि जो इम्पोर्टेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका ये बायकॉट करें जो इन्होंने अपने फ्रंट डोर पे बायकॉट का इसराइल का लोगो लगाया हुआ है झंडा। सिर्फ झंडों का बायकॉट ना करें, उनकी प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।